लोगों के सामने निकालूंगा, जन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकालूंगा। नहीं कितना करोड़ रुपया ये लोग लड़के से ही कमा ले। एनसीसी वालों के लिए कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। हो सकता है एनसीसी सी जिसके पास रहेगा उन लोगों को पेपर ही ना देना पड़े। एवरीवन, पहले जब हम लोग इंडियन आर्मी में ऑनलाइन कराने जाते थे तो एक भी रुपया फीस नहीं लगता था, लेकिन अभी बोला जा रहा है अग्निवीर में ऑनलाइन कराने के लिए एक लड़का से 250 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। अब देखते हैं कितना रुपया एप्लीकेशन फीस लगता है। वैसे अगर एक लड़के से 250 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा ना, तो कई लाख लोग इसमें ऑनलाइन कराएंगे और सरकार के पास कई करोड़ रुपया जाएगा। और वो भर्ती कितने लड़कों को करेगा? सिर्फ 40,000 से 45,000 लोगों को भर्ती करेगा। और देखो इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि जो ट्रेड मैन वाली भर्ती है, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में निकाला गया था कि ट्रेड मैन वाली भर्ती समाप्त हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर सारी चीजें दिखाऊंगा। जो भी नोटिफिकेशन निकालूंगा ना, आप लोगों के सामने निकालूंगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकालूंगा। लोग एज को लेकर भी बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि भाई एज को घटाया नहीं गया है, पता नहीं तुम लोग कहां से वीडियो बनाते हो। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं मेरे भाई, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं ना तो पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूं और उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर सब कुछ दिखाता हूं। लेकिन तभी भी एक दो लोग, जैसे वीडियो तो बहुत सारे लोग कई हजार देखते हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसा बोलते हैं ना, नहीं एज को घटाया नहीं गया है, एज उतना ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। 2023 में अग्निवीर की भर्ती किस तरह से कराई जाने वाली है उसको भी देखेंगे और एज कितना है उसको भी देखेंगे। अभी देखो हम लोग के यारों में हम लोग का दौर कराया जाता था ना, लेकिन जब अग्निवीर में पहले पेपर कराया जाएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग के यारों में ही हम लोग का पेपर कराया जाएगा। मतलब 200 जगह पूरे भारत में 200 जगह पेपर कराया जाएगा और 200 जगह में हम लोग को 5 जगह चुनना पड़ेगा, 5 जगह में हम लोग को एक ही जगह पेपर देने जाना पड़ेगा। अब ये हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग का सेंटर कहाँ पर पड़ेगा। जैसे SSCD में बहुत सारा सेंटर चुनना रहता है, जैसे दिल्ली चुनना रहता है, लखनऊ चुनना रहता है, कानपुर चुनना रहता है। मतलब कभी कभी हम लोग का पेपर नजदीक ही हो जाता है और कभी कभी दूर भेज देता है। तो इंडियन आर्मी में भी ऐसा ही होने वाला है। अभी सारी चीजें पहले देख लेते हैं। हम लोग को सबसे नीचे चले आना है, देखो जहाँ पर लिखा गया है चेक एलिजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। हम लोग को सबसे नीचे चले आना है। देखो यहाँ पर लिखा गया है अग्निपथ स्कीम और यहाँ पर सारी की सारी चीजें दे दी गई है। आपको जो भी देखना है यहाँ से आप लोग सब कुछ देख सकते हो। सबसे ऊपर लिखा गया है अग्निपथ स्कीम और वही बात नीचे भी लिखा गया है। नीचे लिखा गया है अग्निपथ स्कीम हिंदी, मतलब ऊपर इंग्लिश में होगा और नीचे हिंदी में होगा। हम लोगों को तो ये जानना है कि इस बार उम्र कितना मांगा है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा PDF खुल के हम लोगों के सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर पूरा PDF खुल कर आ चुका है। अब किसमें कितना उम्र मांगा है और किसमें कितना पास होना चाहिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर पर है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, सिंपल 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% से अधिक होना चाहिए। पर दूसरा दिया है अग्निवीर टेक्निकल का, तो अग्निवीर टेक्निकल में पहले 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र लगता था ना, देखो इसमें भी 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र दे दिया है। और टेक्निकल में 12 पास होना चाहिए और 12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, 12 में 50% होना चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे 40% फिजिक्स में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए और मैथ में भी होना चाहिए। और नीचे आर करके और भी कुछ लिखा गया है तो इसको भी आप लोग देख लेना। अग्निवीर कलर के बारे में बताया गया है, इसमें भी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक कर दिया गया है। पहले 17.5 से लेकर 23 साल तक कलर में उम्र रहता था और इसमें 12 पास होना चाहिए 60% से और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ट्रेड मैन के बारे में बताया गया है, ट्रेड मैन की भर्ती 10 पास से होती है और 8 पास से होती है। तो अभी बोला जा रहा था कि ट्रेड मैन की भर्ती समाप्त हो चुकी है। PDF मैं आप लोगों के सामने ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूं और यहां पर लिखा गया है ट्रेड मैन 10 पास वाले का उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक रहेगा और इसमें क्लास 10 पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में मतलब 33 नंबर होना चाहिए। GD में तो 10 में 45% होना चाहिए। अब नीचे देखो अग्निवीर ट्रेड मैन 8 पास वाले का दिया है, तो 8 पास वाले में सिर्फ 2 ही ट्रेड होता है, एक हाउस कीपर होता है और एक मेस कीपर होता है। इसका उम्र भी 17.5 से लेकर 21 साल तक कर दिया गया है और इसमें सिंपल 8 पास होना चाहिए, मतलब 8 में कितना परसेंट रहे लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। अग्निवीर भर्ती को लेकर इस न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें लिखी गई है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखो सबसे ऊपर लिखा गया है अब अग्निवीर बनने के लिए पहले पास करनी होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। नीचे लिखा गया है आवेदन 10 फरवरी से 11 मार्च तक, मतलब 10 फरवरी से ऑनलाइन चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट 11 मार्च तक रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी ARO BRO का नाम नहीं दिया है। अब आप लोग ये नहीं पूछना हमारे ARO का ऑनलाइन कब से होगा, यहाँ पर लिखा गया 10 फरवरी से ऑनलाइन चालू हो जाएगा।
जाएगा और 11 मार्च तक लास्ट डेट रहने वाला है और 12 अप्रैल को होगी परीक्षा। 12 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो जाएगी। सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सेना से जुड़ना चाह रहे युवाओं के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने की घोषणा की है। यह परीक्षा पास करने के बाद ही अभ्यर्थी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 11 मार्च तक लिए जाएंगे। परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे। नियमों में बदलाव के बाद अब भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में सभी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा होगी। ये जो CEE लिखा है ना, इसका मतलब परीक्षा ही होगा, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। इसमें पास होने पर दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सेना द्वारा घोषित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन होगा। इसका नोटिफिकेशन फरवरी के मध्य में जारी हो सकता है। पहले परीक्षा का आयोजन अप्रैल में 200 स्थानों पर होगा। जैसे पहले हम लोग के यारों में भर्ती कराया जाता था ना, तो 200 यारों तो नहीं होगा पूरे भारत में, लेकिन यहाँ पर 200 जगह परीक्षा कराया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमारा पेपर कहाँ पर कराया जा सकता है अग्निवीर का, तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन कल मैं एक वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को 5 सेंटर चूज करना है, अपने मन से 5 सेंटर चूज करना है। अब मतलब अब कौन सा सेंटर पर पेपर देने जाना है वो तो जब एडमिट कार्ड निकलेगा तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया कि 200 स्थानों पर होगा। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह बदलाव चयन के दौरान ऑनलाइन आवेदन के लिए ₹250 शुल्क निर्धारित किया गया है। अब देखो इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि मतलब हम लोग जब अग्निवीर का ऑनलाइन कराने जाएंगे तो उसमें ₹250 फीस लगेगा। अब आप लोग सोचो एक लड़का ₹250 देगा तो कितना लाख लोग इसमें ऑनलाइन कराएंगे और कितना करोड़ रुपया सरकार के पास जा रहा है। पहले इंडियन आर्मी में 1 रुपया नहीं लगता था, लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें किया जा रहा है, तो ये तो बहुत बुरा लग रहा है यार। और देखो यहाँ पर लिखा गया है कि भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अपना नाम वेबसाइट joinindianarmy.in पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च के बाद बंद कर दी जाएगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास। देखो अग्निवीर ट्रेडमैन का बात यहाँ पर भी किया गया है और ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट से जो PDF डाउनलोड किया हूँ उसमें भी ट्रेडमैन का बात किया गया था, लेकिन ट्रेडमैन का एज 23 से घटाकर 21 साल तक कर दिया गया। वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो एप्लीकेशन फीस वाला बात लिखा है ना, अगर एक लड़के से ₹250 लोग एप्लीकेशन फीस लेंगे तो पता नहीं कितना करोड़ रुपया ये लोग लड़के से ही कमा लेंगे, तो फिर लड़के लोगों को क्या पैसा ये लोग देंगे। अब देखते हैं इसमें सच्चाई कितना है। वैसे इस न्यूज़पेपर में लिखा गया तो ये लोग भी कुछ सोच समझ कर लिखे होंगे। और ट्रेडमैन भर्ती के बारे में भी इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है, पहले बोला जा रहा था कि ट्रेडमैन की भर्ती ठेके पर कराई जाएगी, ट्रेडमैन की भर्ती समाप्त कराई जाएगी, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ट्रेडमैन का एज दिया था और न्यूज़पेपर में भी ट्रेडमैन का एज दिया था। अगर ट्रेडमैन की भर्ती समाप्त कराई गई होती तो इसका एज नहीं देता और न्यूज़पेपर में भी इसका जिक्र नहीं किया जाता। अब देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप लोगों का तैयारी अपने हिसाब से करते रहना। एक बात तो बहुत गलत किया जा रहा है, NCC वालों के लिए कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। पहले बोला गया था कि जिसके पास NCC C का सर्टिफिकेट रहेगा उसको पेपर में 20 नंबर का छूट मिलेगा, और जिसके पास NCC C का सर्टिफिकेट रहेगा और RDC परेड किया रहेगा उसको पेपर में 25 नंबर का छूट मिलेगा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम भी एक NCC कैडेट है और हम भी सोच रहे हैं यार पता नहीं NCC वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है NCC C जिसके पास रहेगा उन लोगों को पेपर ही ना देना पड़े, डायरेक्ट दौड़ के लिए बुलाया जाए, तो यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि मतलब 20 नंबर को छूट मिलेगा, 25 नंबर को छूट मिलेगा या पेपर ही नहीं कराया जाएगा। अब देखते हैं जिस दिन से ऑनलाइन चालू हो जाएगा हो सकता है उस दिन पूरा का पूरा बात क्लियर हो जाए। अभी हमें भी NCC C का पेपर देना है, अभी मैं सी होल्डर नहीं हूँ, ये नहीं सोचना कि मेरे पास NCC C है, ठीक है ना। अभी सिर्फ बी का सर्टिफिकेट है, अभी सी के लिए 19 तारीख को पेपर देना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी हिम्मत नहीं हारना है, जितने लोगों का एज बचा है और जितने लोग पढ़ाई में मजबूत हैं उन लोगों के लिए तो SSC GD जिंदाबाद। चलो ठीक है, सरकार बड़ी होशियारी से काम कर रही है। अब सरकार के खिलाफ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही दिन इसका पूरा का पूरा पोल खोलूंगा। मतलब जिस तरह आंदोलन चल रहा था ना, वो आंदोलन अभी तक नहीं रुका होता, इसलिए ये लोग धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं। और सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर ऐसा बदलाव हो रहा है तो ये गलत नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल गलत किया जा रहा है। बदलाव तो सभी लोगों के अंदर होना चाहिए, सैलरी तो सभी लोगों को मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी आप लोगों को
हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा, क्योंकि सारा समय आप लोग इसी में बर्बाद किए हो।